हेलो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तो वो है गैलेना टाइप क्रिस्टल हैविंग ट्वेंटी फोर फेसेस एंड हैविंग जनरल सिम्बॉल ऑफ टू वन वन इज कॉल्ड तो एक गैलेना का क्रिस्टल है अब गैलेना आता है क्यूबिक क्रिस्टल के साथ अब उस गैलेना के ट्वेंटी फोर की फेसेस है उसको क्या कहा जाता है और उसी के साथ वो जो फेस रहेगा उसको टू वन वन ये है उसका जनरल सिम्बॉल तो उसे क्या कहेंगे अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं क्रिस्टलोग्राफी के बारे में जो बहुत बार और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि पेट्रोलॉजी का बेस क्या है तो अगर आपको मिनरोलॉजी अगर आपकी स्ट्रांग है, तो है तो आपको पेट्रोलॉजी आ जाएगा अगर आपकी क्रिस्टलोग्राफी स्ट्रांग है तो आपको मिनरोलॉजी आ जाएगी और यही होता है कि बहुत लोग क्या करता है कि क्रिस्टलोग्राफी को थोड़ा थो 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 सा अंडर एस्टिमेट कर देते हैं क्रिस्टलोग्राफी में करियर नहीं है क्रिस्टलोग्राफी में कुछ नहीं है आगे जाके ठीक है तो एक्चुअली क्रिस्टलोग्राफी में बहुत कुछ है तो इवन इस पर अलग से एक वीडियो बन सकती है इतना कुछ मटेरियल क्रिस्टलोग्राफी में एक्चुअली अवेलेबल है तो पहले जो है वो ये देख लेंगे कि गैलेना टाइप तो एक गैलेना का क्रिस्टल देख लेंगे जिसको ट्वेंटी फोर फेसेस है और उसी के साथ एक्चुअली उसे जो ये देख लीजिए तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर गैलेना आता है ठीक है हमें पता है अब उसके अंदर चार ऑप्शन उन्होंने दिए हैं एक है ऑक्टा हेड्रॉन ऑक्टा का मीनिंग होता है ऑक्टा मतलब एट हेड्रॉन प्रिफिक्सिस का मीनिंग होता है फेस तो रहे। एक हेड्रॉन हेड्रॉन का मीनिंग रहता है फेस। तो वर्ड और दूसरा रहता है एंगल मतलब होता है एंगल, मतलब एंगल। तो यहां पे हुआ ऑक्टा हेड्रॉन ऑक्टा मीन एट हेड्रॉन फेस मतलब एट फेस वाला क्रिस्टल लेकिन क्वेश्चन में कितना पूछा है क्वेश्चन में जो पूछा है वो है हमारा बिल्कुल

मतलब थ्री और सिक्स सिक्सा हुआ ये ये होता है थोड़ा सा कंफ्यूजन बिल्कुल टेट्रा हेग्जा हेड्रॉन तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके एक्चुअली ट्वेंटी फोर फेसेस है क्योंकि टेट्रा हेग्जा के कितने होंगे ऑब्वियसली बिल्कुल एटीन हो जाएंगे बिल्कुल ठीक है तो कौन सा ऑप्शन है और इसका जनरल सिंबॉल क्या रहता है अब जनरल सिंबॉल क्या रहता है और कैसे दिखता है ये कुछ जनरल सिंबल कुछ इस तरह से दिखता है और हर मॉडल के इंडिविजुअल क्रिस्टल के भी अलग रहते हैं जैसे कि मान लीजिए ऑक्टाहाड्रॉन का जो क्रिस्टल है उसका जनरल सिंबल है one, one, one. इस 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 सिंबल से फॉर्म को ऑक्टाहेड्रोन दिखने में कैसा रहता है इस तरह से बिल्कुल काइट जैसा बिल्कुल ये बिल्कुल ये थोड़ा ऑक्टाहेड्रोन दिखता है परफेक्ट तो नहीं निकला लेकिन इस तरह का अगर क्रिस्टल का शेप हो उसे ऑक्टाहेड्रोन कहा जाता है बिल्कुल ठीक है इसका एक सिंबल रहता है इस पूरे के पूरे फॉर्म का एक जनरल सिंबल रहता है जिसे कहा गया है वन 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 इसे कहते हैं हम जनरल सिंबल उसी की तरह अब ट्वेंटी फोर फेसेस की बात की अब यहाँ पे तो 24 नहीं हो रहा है उसके बाद आते हैं तो, है तो, तो आपको डायरेक्ट ही आंसर मिल जाएगा ट्वेंटी फोर फेसेस रहते हैं क्वाड्रिलेटरल उसका फेस जैसा रहेगा बिल्कुल या फिर ट्रेपेजियम फेस मतलब 24 रहने वाला क्रिस्टल जिसका जनरल फॉर्मूला हो टू वन वन उसके फॉर्म का नाम हो गया बिल्कुल ट्रेपेजोहैड्रॉन अब टू वन वन ना रहो थ्री वन वन भी रह सकता है या फिर थ्री टू टू भी रह सकता है ऑप्शन के अंदर ये आपका फिर आंसर हुआ ट्रेपेजो हेड्रॉन इसका आंसर जो है बिल्कुल ठीक है इसका आंसर है ट्रेपेजो हेड्रॉन अब उसी की तरह बिल्कुल क्वेश्चन सेवनटीन भी देख लेते नॉर्मल क्लास ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम इज तो इस एक्चुअली क्रिस्टोग्राफी पे जो एंट्रेंस के लिए जो रहते हैं पूछते हैं उसके ऊपर पहले ही हम जो वीडियो है वो वीडियो बना चुके हैं इसका आंसर है बेरिल अगर आपको याद रखना हो तो उसके लिए वो भी बता देते कैसे कैसे रहते या फिर अगर आपने नहीं देखा होंगे तो वो भी देख लेते क्या है कि क्रिस्टलोग्राफी में बहुत सारी चीजें आपको एक्चुअली देख लेनी पड़ती है ये तो एक्चुअली कुछ पेड कंटेंट है जो लाइव क्लासेस रहती है पेड उसके लिए बिल्कुल ये पेड कंटेंट है ठीक है अब नॉर्मल क्लास के अंदर इसके ऊपर हम पहले भी बिल्कुल वीडियो बना चुके हैं जिसके अंदर हमने देखा था

देखिए ये क्वेश्चन है क्वेश्चन सेवेंटी का द नॉर्मल क्लास ऑफ हेक्सागोनल सिस्टम इज तो हेक्सागोनल सिस्टम में आपको जाना है आपको ये चीज याद ही रखना है बिल्कुल हेक्सागोनल जो सिस्टम है ये रही अपनी हेक्सागोनल हेक्सागोनल सिस्टम सिस्टम तो क्रिस्टल के नॉर्मल क्लास का नाम क्या है तो नॉर्मल क्लास का नाम है उसके बेरिल ऐसे ही अब टू में ये तो पूछ चुके अब आपको हर एक नॉर्मल क्लास का बिल्कुल नाम पता रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस क्रिस्टल सिस्टम और एक्चुअली कंप्लीट चार्ट ही एक्चुअली आपको पता रहना चाहिए मतलब अगर पूछते हैं कि अर्थ के अंदर कौन से मिनरल कौ, मैक्सिमम बहुत सारे मिनरल है मिलियंस ऑफ है मैक्सिमम जो मिनरल है वो कौन सी क्रिस्टल सिस्टम के अंदर क्रिस्टलाइज हो चुके अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो देखिए वो है ये कौन सा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम अबंडेंस भी दिया है आपको अबंडेंस अबंडी परसेंट बिल्कुल ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल तो इसका आंसर हुआ बेरिल ए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टल सिस्टम इन विच ओनली सेंटर ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट इज कॉल्ड अब सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट है मतलब कि बाकी के जो दो सिमेट्री है वो प्रेजेंट है, नहीं है तो वो है क्रिस्टल क्रिस्टल सिस्टम सिस्टम क्या होता है ट्राइक् सेंटर ऑफ सिमेट्री तो रहता है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सी ऑफ सिमेट्री दोनों अपसेंट रहते हैं मतलब या फिर दोनों प्रेजेंट ही नहीं है इसके अंदर तो आंसर है इसका ट्राइक्निक क्रिस्टल सिस्टम बिल्कुल ऑप्शन सी ये हुआ इसका जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्स ऑफ सिमेट्री दोनों बिल्कुल नहीं प्रेजेंट नहीं है नेक्स्ट है क्वेश्चन क्रॉस हैच जो ट्विनिंग रहती है वो दिखाता है माइक्रोक्लिन यह मिनरल अब माइक्रोक्लिन ये मिनरल जब दिखाता है ऐसा तो उसके साथ क्या क्या दिखता है देखिए इस तरह से जो दिखेगा उसे कहते हैं क्रॉस हैच ट्विनिंग क्रॉस मतलब क्या होता है एक जो आपको ये थ्रेड दिख रहा होगा या मिनरल का इलोंगेशन दिख रहा होगा एक ऊपर से और एक इसके नीचे से जाते हुए ग्रोथ करता है इसे कहते हैं क्रॉस हैचिंग माइक्रोक्लिन ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाता है जो एक अलकअली फील्ड्स पार है तो यहाँ पे क्या कंडीशन जरा वो देख लेते हैं रिपीटेड और पॉलिसंथेटिक ट्विनिंग जो है इसका जो एक ट्विन लॉ है उसके अंदर जो आता है उसको कहते हैं जो इसके बारे में है ठीक है उसी को कहा गया है क्रॉस हैच ट्विनिंग ट्विन के लॉज होते हैं ट्विनिंग के जो लॉ रहते हैं वो रहते हैं अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल सिस्टम अगर आपको पढ़ा हो हुँ, पढ़ा होगा अगर कभी भी आपको ध्यान गया होगा तो ट्विनिंग जब आप भी पढ़ते हैं तब भी क्रिस्टलोग्राफी के बारे में पूछा जाता है सो so, ट्विनिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल सिस्टम मान लीजिए प्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर फेल्सपार के मिनरल क्रिस्टलाइज हो रहे हैं तो वो जो जिस तरह का ट्विनिंग दिखाएंगे प्राय क्रिस्टल सिस्टम के अंदर होने वाले बाकी भी सेम नजदीक फिफ्टी परसेंट मिनरल उसी तरह का ट्विनिंग दिखाएंगे ठीक है तो यहाँ पे तो आपको यही चीज आपको नोट करनी है कि मोस्ट नोटेबल इन द फिल्ड स्पार एंड फिल्डोड मिनरल स्पेशली माइक्रोग्लेन क्योंकि यहाँ पे भी बोला लेकिन स्पेशली माइक्रोग्लेन और होता है कि जो क्रॉस हैच है उसके बहुत बार पूछे क्रॉस हैच को क्या बोलते हैं ग्रीडी इसी को क्या कहते हैं इसी को लिखल कॉर्ड्रल ट्विनिंग भी कहते हैं तो हो सकता है कि आप जो पढ़ रहे कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन पेपर में क्रॉस हैच ये वर्ड ना आए उसके जगह एक्चुअली दूसरा वर्ड आ जाए तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अल्टरनेट वर्ड्स क्या क्या है ठीक है तो ये जो क्रॉस हेच और ऐसा है नहीं कि अलग अलग आपको सिर्फ क्रॉस में ही पढ़ना है तो डिफरेंट डिफरेंट जो जितने भी ट्विनिंग है ये सब आपको ट्विनिंग पढ़ना पड़ता है उसके लॉस पढ़ने पड़ते हैं जैसे कि ये जो आपको सबसे पहले बिल्कुल जो डायग्राम दिख रहा है ये बिल्कुल दिस इज ए यहाँ पे इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट ट्विनिंग दो बिल्कुल क्रिस्टल यहाँ पे कॉन्टेक्ट ट्विन दिखा रहे हैं और इस कॉन्टेक्ट ट्विनिंग के अंदर जो आता है उसको कहते हैं सोलो ट्वेल ट्विनिंग जो कि एक जिप्सम का मिनरल दिखाता है ऐसे बिल्कुल ठीक है इसको कहते हैं सोलो ट्वेल ट्विनिंग अब ये जो नंबर दो पे है इसको बोलते हैं पॉलीसिंथेटिक पॉली पॉलीमीन अनेक तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेट डार्क लाइट लाइट डार्क और अलग अलग थिकनेस की जो लेयर्स दिख रही है बिल्कुल इसी वो बोलते हैं पॉलीसिंथेटिक ट्विंग और ये पेज बहुत अच्छी तरीके से दिखाते हैं इसे जो कहा जाता है इसे कहते हैं हम पेनिट्रेशन ट्विनिंग ये पेनिट्रेशन ट्विनिंग बहुत से मिनरल पायराइट भी दिखाता है यहाँ पे जो है ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल है गैलेना का उसी की तरह यहाँ पे भी आपको पेनिट्रेशन ट्विनिंग देखने को मिल रही है मतलब कि आप अगर देख रहे होंगे एक क्यूब

लेकिन ये परफेक्टली परपेंडिकुलर भी नहीं देते कभी कभी इंक्लाइन इंक्लिनेशन भी दिखाते हैं और लास्ट वाला जो है उसको कहते हैं हम कार्लैट ट्विनिंग जो एक पोटेशियम फील्ड्स पर दिखाता है हमेशा बिल्कुल ठीक है ये है कुछ ट्विनिंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो आंसर है कि कॉस हैच ट्विनिंग कौन दिखाता है तो क्रॉस हैच ट्विनिंग दिखाएगा आंसर ऑप्शन है सी माइक्रोक्लिन नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी ऑलिविन इज सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ अब इससे पहले ही हमने ऑलिविन पे एक्चुअली ग्रुप पूरा बना दिया है अगर आपने नहीं देखा तो आपको देख लेना पड़ेगा तो ऑलिविन का जो है मतलब पूरा सॉलिड सोल्यूशन सीरीज वो बोला है दो मिनरल्स के बीच एक का नाम है फॉस्टराइट और दूसरे का नाम है फायाइट बिल्कुल तो ये जो और फायाइट है इसकी हमने इमेज भी आपको दिखाई थी अगर नहीं तो आप देख लीजिए ये है रहते जो सॉलिड सोल्यूशन सीरीज रहती है वो सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज ऑलिविन के ग्रुप के टाइम में हमने बताया था वो बनी थी बिटवीन टू एंड मेंबर्स ये एंड पर फॉर्म होते इसलिए इसको कहते हैं एंड मेंबर्स बिल्कुल एक का नाम था मैग्नीशियम रिच ऑलि का नाम था थाइट और आयरन रिच ऑलि का नाम था फायालाइट तो ये सॉलिड सोल्यूशन फॉर्म हो रही है फॉर्म हो रही बिटवीन फॉस्टेराइट एंड फायालाइट तो हमारा क्वेश्चन भी देख लेते हैं ऑलिविन ग्रुप का इस पर हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं लिंक्स अवेलेबल भी है बिल्कुल तो आप जाके बिल्कुल देख सकते इसको चैनल पर ठीक है तो क्वेश्चन क्या था ऑलिविन इज सॉलिड सोल्यूशन सीरीज ऑफ तो ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉस्टेराइट एंड एंडलाइट ठीक है नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ इज तो बहुत बार क्या होता है मैक्स में ऐसे मिनरल के स्ट्रिक के बारे में पूछा जाता है जिनकी स्ट्रिक कभी व्हाइट ही नहीं होगी जो कलर्ड स्ट्रिक दिखाते हैं क्योंकि स्टूडेंट तो इजीली बता देगा अगर जिसकी स्ट्रिक व्हाइट हो बिल्कुल ठीक है तो उस कंडीशन में क्या होता है ऐसे पूछा जाता है ऐसे बहुत सारे हैं मान लीजिए कि अभी जो आपके पास ऑप्शन है कि हेमाटाइट की स्ट्रिक क्या है तो हो सकता है कि बिल्कुल आप बिल्कुल इसके नाम पे से बिल्कुल बता दो कि इसका आंसर है चेरी रेड तो हाँ तो ये तो हो गया लेकिन इसके अलावा आगे मतलब बहुत अगले साल या फिर अभी दस जून को जो एंट्रेंस होने वाली है इसके अंदर आपको अलग अलग मिनरल के बारे में भी पता रहना चाहिए जैसे आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि हेमाटाइट की स्ट्रिक जो है बिल्कुल वो रस्ट रेड या फिर ब्लड रेड के है नियर अबाउट मतलब कि रेडिश के जनरल की एक कोई टर्म यूज़ की है लेकिन हेमाटेट के बारे में या फिर हेमाटेट के स्ट्रिक के बारे में तो अभी 2019 में पूछ चुके हैं अगले साल तो या फिर अभी आने वाले साल में तो अगेन वो पूछेंगे नहीं लेकिन बाकी के जो मिनरल है जिनकी स्ट्रिक जो बिल्कुल वाइट नहीं है ऐसे मिनरल के बारे में एक्चुअली आपको पता रहना चाहिए ठीक है तो वो कौन कौन से वो भी देख लीजिए

हेमाटाइट की तो ठीक आपने देख ली कि वह रेड का जो शेड्स दिखाती है लेकिन मैग्नेटेट की अगर आपने स्ट्रिक अगर ट्राई किया तो मैग्नेटेड एंड इलिमिनेट दिखाएंगे आपको ब्लैक कलर की स्ट्रिक आपको याद रखना है ठीक है तो मैग्नेटेट दिखाएगा ब्लैक कलर की स्ट्रिक वैसे ही वोल्फ्रामाइट है कैसेरेटाइट है रूटाइल है गोएथाइट है स्पेलेराइट है सोडेलाइट है लजूराइट है अजूराइट है इन सब की बिल्कुल आपको स्ट्रिक दी है ये स्ट्रिक आपको लर्न करना है स्ट्रिक उन्हीं मिनरल की पूछे जाएंगी एंट्रेंस में

और रेजिनस लश्चर तो रेजिनस लश्चर पहले तो क्या होता है पहले तो ये देख लेंगे दूसरा ये जो रेजिनस लश्चर है ये कौन सा मिनरल दिखाता है तो ठीक है वो भी दोनों चीजें बिल्कुल देख देख लेंगे तो ये लीजिए पहले तो रेजिनस क्या होता है देख लेते हैं जो रेजिन रहता है ना जैसे थ्रेड कपड़ा रहता है रेजिन का उसके जैसे अगर कोई शाइन करता है कोई मिनरल उसे कहते हैं और उस टाइप के मिनरल के अपियरेंस को कहते हैं रेजिनस लश्चर लश्चर क्या रहता है जिस किसी भी मिनरल के सर्फेस के ऊपर जो लाइट जिस तरह से लाइट शाइन करती है या फिर उसका सर्फेस जिस तरह से शाइन करता है उस शाइन को बोलते हैं हम बिल्कुल रेजिनस और ये नॉन मेटेलिक लश्चर रहता है अब कौन कौन से मिनरल है जो बिल्कुल रेजिनस लश्चर दिखाते हैं तो हमारे पास दो मिनरल अभी है लेकिन यहाँ पे फिलहाल और भी बहुत सारे रहते हैं आपको जैसे खुद की आप लिस्ट बना सकते हो एक है स्पेलेराइट दूसरा है स्पल, सल्फर अब देखते हैं कि स्पेलेराइट और सल्फर में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है तो अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है जो है राइट, वो एक्चुअली पर अवेलेबल है तो क्वेश्चन ट्वेंटी तो याद रखना है अब स्पेले राइट पे तो क्वेश्चन आ चुकाउेंड नाइनटीन पे इसी के तरह जितने भी नॉन मिनरल है उन सब के बारे में हर एक फिजिकल प्रॉपर्टी चाहे फिर उसके फॉर्म हो हैबिट हो हार्डनेस हो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो स्ट्रीक हो या फिर उसका लक्ष्य हो सभी के सभी एक्चुअली आपको याद करने पड़ेगे ठीक है नेक्स्ट कंपेयर टू गैलेना एंड स्पेलेराइट आर तो पायराइट के कंपेरिजन में गैलेना और स्पेलेराइट क्या है और कैसा है बिल्कुल ठीक है और ये भी थोड़ा सा एक डाउटफुल क्वेश्चन है क्योंकि देखेंगे बताता हूँ क्यों बिल्कुल ये सब तो उसके लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि पायराइट गैलेना और स्पेलेराइड इन तीनों के बारे में और नेक्स्ट इन तीनों के बारे में एक क्यू पूछा ऐसी कौन सी चीज है जो इन तीनों में कॉमन है पहली बार तो ये तीनों के तीनों जो है वो सल्फाइड के ओर है एक है आयरन सल्फाइड का ओर सेकेंड है लीड सल्फाइड का ओर और जो लास्ट वाला है वो जिंक सल्फाइड का ओर है मतलब इनमें से हम आयरन निकालते हैं इसमें से लीड और इसमें से जिंक लेकिन तीनों क्या है तीनों में एक चीज कॉमन है तीनों में जो है कि वो तीनों के तीनों सल्फाइड के ओर है ऐसे जो कॉमन अपियरेंस या फिर कॉमन प्रॉपर्टीज रहते हैं अकॉर्डिंग टू ऐसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं अब देखिए पायरट की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है या फिर इसको हम डेंसिटी बोल देंगे दो मिनट के लिए ये है 4.8 से लेकर 5.1 सो एज कंपेयर टू पायरेट ये दोनों के बारे में पूछा गया है तो पायरेट के कंपेयर में गैलेना कैसा है गैलेना है हेवी या फिर हम बोल सकते हैं ज्यादा डेंसर है बिल्कुल। लेकिन पायरेट के कंपेयर में फोर पॉइंट टू तो ये क्या हो गया ये हो गया लेस डेंस और यहां पे जानबूझ के ऑप्शन दिया है आपको बताने के लिए ठीक है देखेंगे तो पायरेट के कंपेरिजन में गैलेना हुआ हायर डेंसर लेकिन स्पेलेट हुआ लेस डेंसर अब ऑप्शन देखते हैं क्या है देखिए कंपेयर टू पायराइट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री गैलेना और स्पेल कैसा है तो हमने देख लिया कि गैलेना तो डेंसर है ठीक है तो गैलेना तो डेंसर है और स्पेलेट कैसा है लाइटर है ये रिस्पेक्टिवली है बिल्कुल तो ऑप्शन बी आना चाहिए लेकिन आंसर की में क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी थ्री है देखिए क्या दिया है ए ए में क्या बताया गया है ए में बताया गया है कि बोथ आर डेंसर तो ये थोड़ा सा रॉन्ग आंसर की आ चुका है जो एक्चुअली लास्ट ईयर किसी स्टूडेंट ने करेक्ट करना चाहिए था लेकिन नहीं किया तो ये फाइनल आंसर की रहेगी उसी तरह से दो मार्क और चले गए मतलब कि फोर मार्क्स अगर आप इस तरह से अगर आंसर अगर की से करेक्ट करवाते हो टेंटेटिव आंसर की से फाइनल आंसर की में आप करेक्शंस करवाते हो तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स बढ़ने वाले और चार चार मार्क ही सफिशेंट मार्क हो जाते हैं बिल्कुल एडमिशन लेने के लिए तो बता दिया मैंने आप अगर कंपेरिजन इन तीनों मिनरल पे क्यों पूछा क्योंकि ये तीनों क्या है सल्फाइड के ओर है पहली बात दूसरी बात तीनों के डेंसिटी के कंपैरिजन में बता दिया बिल्कुल कैसा है कौन डेंसर है तो ऑब्वियसली गैलेना हायर डेंसर है लेस डेंसर है ये हो गया अब आते है टोपास पे क्वेश्चन ट्वेंटी फोर इजी है मोस्ट क्लऑफ हार्डनेस पे बिल्कुल तो सबको पता है हार्डनेस ऑफ टोपास कितना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हार्डनेस ऑफ टोपास है एट ठीक है देन जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन वेवी वेवी इज़ शोन बाय अब जिनको पता नहीं तो को ही वेवी बोला जाता है ठीक है और ये दिखाता है परफेक्टली कॉर्ड्स ऐसा ही नहीं कॉर्ड्स के अलावा बहुत सारे मिनरल्स दिखाते हैं लेकिन कॉर्ड्स प्राइमरली बहुत ज्यादा दिखाता है और वो भी इग्नियस रॉक में का कॉर्ड्स नहीं दिखाएगा जो कॉर्ड्स मेटामॉर्फिक

नहीं लेकिन में आपको ये पढ़ने को ये चीज मिल जाएगी बिल्कुल ठीक है तो इसके अंदर थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा अब जो मटेरियल आपको मिलेगा ये मटेरियल दो बुक में से आप पढ़ सकते हो एक तो जो जी बेस्ट का जो बुक है उसके अंदर एक टॉपिक रहता है हाई स्ट्रेन मेटामॉर्फिक टेक्सर्स का उस हाई

यूनिफॉर्मली नहीं इसलिए कैसा है वो अंडुलोज है बिल्कुल दिस स्वीप इनरेगुलरली अक्रॉस द ग्रेन एज द माइक्रोस्कोप इज रोटेटेड एंड स्पेशली इन स्ट्रेन ऑफ तो आंसर तो मिल गया भाई हमको अभी से कि कौन सा मिनरल है जो अंडुलोस या फिर वेवी एक्सटेंशन दिखाता है क्योंकि क्वेश्चन उस पर पूछा गया था तो क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव का आंसर तो मिल गया कि वेवी एक्सटेंशन इन शोन बाय कॉड्स लेकिन ये एक्सटेंशन फॉर्म होता कैसे है दिखता कैसे है पहले तो वो देख लेते हैं ये देखो यहाँ पे कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इमेजेस है स्टार्टिंग में नीचे आप बिल्कुल इसका हेडिंग पढ़ सकते हो स्लाइटली डिफॉर्म ग्रेनेटिक रॉक ग्रेनेट के अंदर ऑब्वियसली आपको और देखने को मिल जाएंगे क्रॉस पोलर राइट के अंदर आप देख रहे हैं सब कुछ ट्विन लेमे प्लेज क्लेस का वो भी देखने को मिल रहा है जो कॉर्ड्स का है ये जो अब यहाँ पे ऑब्वियसली ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है इसलिए लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो देखो आपको देख मतलब दिखाने का ट्राई करता हूँ दिस ग्रेन शोज सम क्लाउडी अपियरेंस यहां पर डार्क दिख रहा है यहां पर लाइट दिख रहा है अब फोटोग्राफ बहुत पुराना इसकी वजह से बहुत ज्यादा लाइट आ चुका है लेकिन ऐसा जब क्लाउडी अपियरेंस रहता है इसी को बोला जाता है this is nothing but, इसी को बोला जाता है अंडुलोस या फिर वेवी एक्सटेंशन ठीक है इसके लिए हमें पढ़ना है आगे देखिए क्या होता है मोस्ट ग्रेन स्पेशली हाँ तो अगर आपने कभी लिटरेचर पढ़ा होगा तो फिल्ड स्पार भी दिखाता है लेकिन बहुत कम ऐसा समझ लीजिए कि जस्ट अर्थ के ऊपर जितने भी फिल्ड पर है उसमें से सिर्फ ही एक पर्टिकुलर हाई स्ट्रेन कंडीशन के अंदर ही वो वो अगर आते हैं तभी वो ऐसा एक्सटेंशन दिखाएंगे नहीं तो फिर स्ट्रेनोर्फिकसेंट जितने भी कॉर्ड्स है मान लीजिए मेरे पास एक कॉर्ड्स है मेरे पास एक कॉर्ड्स है और एक दूसरा भी कॉर्ड्स है तो हर कोई कॉर्ड्स ये वेवी एक्सटेंशन नहीं दिखाएंगे अगर वो हाई स्ट्रेस कंडीशन के अंदर आता है

ग्रेनेट का अगर मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्या होता है या फिर मान लीजिए ग्रेनेट यहाँ पे मैं ग्रेनेट लेता हूँ आपको कंसिडरेशन के लिए मैं आपको साइंसटो लेता हूँ क्यों क्योंकि मैक्सिमम तो कॉर्ड्स ही रहते हैं हाँ मैक्सिमम कॉर्ड्स रहेंगे बिल्कुल अब साइंसटोन का अगर मेटामॉर्फिज्म होता है तो क्या बनता है तो बनता है कॉर्ड हाइट बिल्कुल क्या हुआ है टेम्परेचर प्रेशर तो अप्लाई हुआ ना तो इस कंडीशन में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कॉर्ड्स का ग्रेन है कॉर्ड्स अनहेड्रल रहता है तो इसी शेप में रहेगा सैंडस्टोन के अंदर भी मेरे पास कॉर्ड्स का ग्रेन है ये जो एक्सटेंशन है ये सैंडस्टोन के ग्रेन के अंदर कभी दिखेगा ही नहीं क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होना चाहिए दूसरी कंडीशन किस तरह का तो स्ट्रेन अप्लाई होना चाहिए अगर कोई भी थिन सेक्शन जो आप स्टडी कर रहे हो और उसके अंदर जो कॉर्ड्स है उसके अंदर आपको अगर एक्सटेंशन दिख रहा है इट मीन ये जिस रॉक या फिर आपने जो भी सैंपल लाया है जिसका आप बिल्कुल ये स्टडी कर रही है थिन सेक्शन वो सैंपल इट मीन एक तो मेटामॉर्फिक है हंड्रेड परसेंट मेटामॉर्फिक है दूसरी कंडीशन यह बहुत ज्यादा स्ट्रेन मेटामॉर्फिक कंडीशन के एरिया में था इस पर से मतलब कि यह सेडिमेंट्री की स्लाइड नहीं है या फिर सेडिमेंट्री का रॉक नहीं मान लीजिए आपके पास दो स्लाइड दिए और आपको पहचानना है कि यह रॉक कौन सा है सेडिमेंट्री है या फिर मेटामॉर्फिक तो क्लूज, क्लूज रहते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर रीजन जहां से आपने वो सैंपल कलेक्ट कर लिया और इस सैंपल का आपने थिन सेक्शन बनाया है वो मेटामॉर्फिक है या फिर सेडिमेंट्री ऐसे पता लगाया जा सकता है मतलब कि सेम कॉर्ड सेडि प्रेशर की वजह से ये डिफॉर्म हो चुका मतलब कि वो अभी ऐसा नहीं है और डिफॉर्म है अगर पूछते हैं तो वो कैसा होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं कैसे लैटिसिस कैसे रहते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखते हैं आपको जैसे यूनिट सेल के बाद जैसे लैटिसिस आता है क्रिस्टलोग्राफी के अंदर ठीक है मान लीजिए मेरे सैंपल uh, के जो लैटिसिस है वो कुछ इस तरह से अलाइन है बिल्कुल ठीक है ये जो लैटिस है वो डिफॉर्म हो जाते हैं मतलब के अब ये जो लैटिस है वो कुछ इस तरह से दिखेंगे आपको हो डिफॉर्म मतलब शेप क्या हो गया? चेंज हो गया गया चेंज जो पहले आपको थोड़ा सा क्यूबिकल दिख रहा था वो अब दिखने को लगेगा थोड़ा सा रोमबिक ऐसे जब लैटिस के लेवल पे जब पूरे के पूरे यूनिट सेल ही डिफॉर्म हो जाएंगे और लैटिस ही डिफॉर्म हो जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी या फिर मैग्निफाइंग कंडीशन में जो मिनरल है वो भी एक्चुअली वेवी बन जाता है वो अंडुलोज बन जाता है यहां भी आप कॉर्ड्स देख रहे हो यहां पे आपको क्लाउडी अपीयरेंस दिख रहा होगा क्लाउड आया जैसे बिल्कुल जो दिख रहा है ना दिस दिस क्लाउडी क्लाउडी अपीयरेंस अपीयरेंस नथिंग बट वेवी और इसी को कहते हैं हम एक्सटेंशन भी बिल्कुल ठीक है यही है ये जो है आपको जॉन डी विंटर के पेज नंबर 508 पे डाटा मिल जाएगा जो प्रीवियस डाटा था हमने बता दिया आयरन जी बेस्ट की जो इग्नियस मेडम पेट्रोलॉजी की बुक है उसके अंदर आपको ऑथेंटिकेटेड डाटा मिल जाएगा जिसके अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि वेवी और एक्सटेंशन कौन सा मिनरल दिखाता है तो वो है pods. आपको जॉन डी विंटर की बुक में मिल जाएगा सब कंटेंट अब मैंने पेज नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है बिल्कुल यहाँ पे कुछ चीजें जो देख लेते जो, क्यों जो काम किए क्या है देखिए अंडुलोज एक्सटेंशन इज यूबिक्टिस मतलब के

डिफॉर्म लेटिस इन प्लेज में डिस्टिंगलरलीफ दैटर मैंने पहले बताया आपको ऐसा नहीं कि किसी बुक के अंदर अगर बताया है या फिर ऑप्शन के अंदर बताया गया है कि कॉर्ड्स के अंदर वे भी एक्सटेंशन दिखता है तो कॉर्ड आप कॉर्ड्स ही लर्न लें कर लेंगे नहीं आपको मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा अर्थ के अंदर बहुत कम लेकिन हाँ नियर अबाउट टेन परसेंट अर्थ के अंदर जो फील्ड्स पर है अगर जिनका मेटामोर्फिजम होता है तो वो फील्ड्स पर

ऑप्शन में जितने मिनरल्स है वो सब है ऑप्शन में कौन कौन से थे जो वेवी एक्सटेंशन पे ऊपर क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन है क्या नहीं हाँ, बिल्कुल, राइट। सी, बिल्कुल नहीं हाइपरसिन क्या है पायरोग कौन से टाइप का पायरोन है, है ओपीएक्स और तो पायरोग बिल्कुल नहीं तो कॉर्ड्स है बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉर्ड्स ये वेवी एक्सटेंशन दिखाएगा बहुत कम अमाउंट में जो बिल्कुल है वो फेल्ड पार भी है मैंने आपको दिखा दिया लेकिन सिर्फ इतने मिनरल्स नहीं है। तो क्या करना है आपको खुद की लिस्ट बनानी होती है एक मिनरल का ग्रुप है जिसे कहते हैं सरपेंटिन मिनरल ग्रुप तो सरपेंटिन मिनरल ग्रुप सबको पता है इस सरपेंटिन मिनरल ग्रुप के अंदर एंटीगोराइट नाम का एक मिनरल है ये मिनरल एक्सटेंशन दिखाता है तो नेक्स्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी एंट्रेंस का जो क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपको स्पेसिफिकली देखना है या फिर खुद के जब नोट्स बनाओगे तो मल्टीपल डाटा खुद का क्रिएट करना पड़ेगा आपको किसी कॉर्ड्स ने कॉर्ड्स के अलावा भी जितने भी मिनरल्स है जो वेवी एक्सटेंशन दिखाते हैं उन सबके आपको खुद की लिस्ट बनानी पड़ती है ठीक है अब तक अगर आपके पास लिस्ट में एक ही नाम था कॉर्ड्स जो वेवी वे एक्सटेंशन दिखाता है तो नहीं फेड्सपार और फेल्सपार के बाद में एंटीगोराइट और ये है प्रूफ आपको अगर चाहिए तो ये जो कंटेंट है ये कंटेंट है डेक्सट पर्किंग्स के बुक में से जिसके अंदर अगर आपने शीट सिलेिकेट या फिर सरपेंडिंग ग्रुप या फिर एंटीगोराइट अगर टाइप भी कर दिया सर्च करके आपको ये चीज मिल जाएगी और आप एज अ प्रूफ सामने वाले को सबमिट कर सकते हैं कि जी देख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस पेज और अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर दिस बुक में यहाँ पे पब्लिश हो चुका है यहाँ पे उन्होंने रेफरेंस दिया है रिसर्च पेपर का कि जहाँ पे बोला गया है कि एंटीगोराइट भी बिल्कुल वेवी एक्सटेंशन दिखाता है और इस तरह के से बिल्कुल आपको फिर एग्जाम के लिए प्रिपेरेशन करना पड़ता है नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन कौन सा है ंगइट इज अब जिन्हें पता नहीं नोरिंग क्या है तो उन्हें एक्चुअली क्या है थोड़ा सा गार्नेट का ग्रुप थोड़ा सा हमारा देखना पड़ेगा गारनेट के ग्रुप पे थोड़ा सा वीडियो बन चुकी है नोरिंग गाइड गार्नेट की एक वेराइटी है एम्फी बोल की नहीं माइकल की नहीं जुलेट तो क्या करना है जितने भी मैक्सिमम मिनरल के ग्रुप्स बोले गए उन मिनरल के ग्रुप के ऊपर एक्चुअली आपको पूरा स्टडी करना पड़ता है गारनेट के अंदर बहुत सारे गार्नेट हैं जी पी ए एस ए, ए यूग्रोसोलर पायरोप अल्मेंडेंस पेसरटेन और जुवेरोइट उसमें से एक गार्नेट है जिसका नाम है पायरोप इस पायरोप की एक वैरायटी है जिसका नाम है नोरिंगाइट अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आंसर तो मैंने बता दिया कि नोरिंगाइट इज अ गार्नेट है किस तरह का गार्नेट है वो भी बता देते हैं नोरिंगाइट एक पायरोप की वैरायटी है पायरोप जो कि एक खुद में बिल्कुल गारनेट ग्रुप का एक मेंबर है इसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया है ये जाना किस चीज के लिए जाता है जो नोरिंग गाइड है कुछ इंपॉर्टेंट है क्या जिसके बारे में इसके मतलब इसके बारे में पढ़ना है या फिर इसके बारे में पूछा गया ऐसा कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है क्या हाँ एक चीज़ है उससे पहले आपको इसका कलर ध्यान में रखना है क्योंकि मे बी जो इमेज दिखाई गई है दिस इमेज इस कलर एंड हियर यू कैन सी सम डिफरेंट कलर तो देखिए इम्पोर्टेंट क्या है अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे नोरिंगाइट तो यहाँ पे नोरिंगाइट एक्चुअली अगर पढ़ोगे जो वेराइटी ऑफ पायरोप है तो देखिए पे क्या लिखा है कॉक किम्बरलाइट पाइप अब जिनको डायमंड के बारे में पता है या फिर किम्बरलाइट के बारे में पता है तो भाई अब थोड़ा सा आइडिया आ गई होगी कि किम्बरलाइट के अंदर जो के थोड़ा सा रेडिश कलर का जो आपको मटेरियल दिख रहा है दिस इज नथिंग बट ये क्या है तो दिस इज योर मिनरल नेम एज नोरिंगाइट नोरिंगाइट क्या है एक गार्नेट का है मिनरल है गार्नेट में भी कौन सा गार्नेट अगर पूछते हैं तो वो पायरोप का डिटेल में अगर पूछते हो तो देखिए ये नेसोसिडिकेट ही आता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ही क्रिस्टल का लक्षर बिल्कुल विटरेसी दिखाएगा कलर वेरी करता है ब्लू भी दिखाएगा ग्रीन भी दिखाएगा बिल्कुल या ब्लूश ग्रीन भी दिखाएगा ठीक है ये ग्रीन कलर का जो भी है एरिया बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रीक इसकी व्हाइट आएगी जो है इसका कंपोजिशन है इसके अंदर मैग्नीशियम भी है क्रोमियम की वजह से इसको ग्रीन कलर आता है ठीक है और ये एक सिलिकेट है तो ये है सब कुछ बिल्कुल नोरिंग के बारे में तो आपको रिलेटेड वेराइटीज ऑफ सभी मिनरल के जो वेराइटीज रहती है वो भी आपको एक्चुअली पढ़नी पड़ती है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लियोक्रोइजम अब प्लियोक्रोइजम जो प्रॉपर्टी है वो दिखाते हैं मिनरल मतलब के बिटवीन क्रॉस निकोल जब आप स्टेज रोटेट करते हो थ्री सिक्सटी तब अगर मिनरल अपियर्ड रहता है दिखता है जैसे कि वैसे थ्री सिक्सटी रोटेट करने के बाद लेकिन कलर्स दिखाता है प्ले ऑफ कलर जिसको बोलेंगे हम बिल्कुल मतलब उसके शेड्स अगर चेंज रहे हो ग्रीन का लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन रेड का पर्पल हो जा रहा है पिंक हो जा रहा है तो शेड्स अगर दिखा रहा है कलर का दिस इज नोन एज योर प्लियोक्रोजम ये प्रॉपर्टी होती है कलर्ड मिनरल की जो मिनरल लाइट कलर के होते हैं हल्के होते हैं ट्रांसपेरेंट या फिर एकदम ग्रे कलर के वो प्लियोक्रोज्म ये प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं तो यहां पे आपके पास हाइपरसिन है टिटेनिफेरस ऑगेट है और एक्मेट है अब ऑप्शन पूछा गया है कि इनमें से कौन से है तो ऑप्शन इज ऑल ऑफ द ये जो तीनों के तीनों है बिल्कुल ये तीनों के तीनों दिखाएंगे आपको प्लियोकोरिजम अब कैसे आपको इसके लिए पायरोक्सिन ग्रुप देखना पड़ेगा हमारा हाइपरसिन क्या है हाइपरसिन एक पायरॉक्सिन है टिटेनोफेरस ऑगेट क्या है एक टिटेनोफेरस है एक्मेट क्या है जब सोडियम सोडियम क्लासिफ़िकेशन किया था का तो उसके अंदर एक्माइट आया था लेकिन एक्माइट नाम का कुछ था क्या इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस जाना पड़ेगा और एक वीडियो देखना पड़ेगा क्यों क्योंकि बहुत बार एक्माइट के बारे में कहीं दिया ही नहीं जाता है ना इस मिनरल के बारे में कहीं लिखा जाता है ये एक ओल्ड नाम है एजरिंग का तो देखते हैं ये सब क्या है तो,

यहाँ पे हमारे पास ऑगेट है और इस ऑगेट का फर्दर क्लासिफिकेशन हो जाता है और उसको लेकिन डायग्राम में नहीं रहता क्योंकि वो एक एजीरिन का एक ओल्ड नेम है इसके लिए बारे में हमने पहले कहा था देखिये एजीरिन हिस्टोरिकली वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्माइट और पूछा ना जानबूझ के पूछे जाते चीजें मतलब आप ना पढ़े वो कंटेंट जो आप नहीं पढ़ते हो वही चीज़ें एक्चुअली पूछी जाती है बिल्कुल ठीक है और इसके ऊपर पहले ही वीडियो बनाया है हमने ये सेम वीडियो की सेम स्लाइड है जिसके बारे में हाईलाइट भी किया है रेड कलर में और यहाँ पे ब्लैक कलर में और देख लीजिए वही कंटेंट एंट्रेंस में भी आया है बिल्कुल ठीक है तो अगर आपने अगर रैंडमली कहीं पे अगर देखा एक मेट सर्च करोगे तो हो, हो सकता है कि आपको ये डायग्राम में कम्पोजिशन डायग्राम में आपको ना मिले भाई ये एजी रीन ही को ही एक्मेंट कहा जाते हैं और इसका अभी नाम कोई नहीं लेता

मैट के बाद है हमारे पास आइपरसिनपरसिन के बाद ऑगैट ये तीनों चीजें देखी थी जब हमने बिल्कुल पायरोसिन ग्रुप देखा था और इसका मीनिंग क्या है अगर आपको पता हो कि ये तीनों मिनरल की अगर आपने कभी प्रॉपर्टी देखी होगी तो इस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि ये तीनों के तीनों मिनरल शोज एक्चुअली डार्क कलर का मिनरल है तो ये इट शोज प्लियोइज्म तो हाँ तीनों के तीनों ऑल द मिनरल शोज प्लियोक्रोइज्म ठीक है नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन विच इज ट्वेंटी नाइन नंबर सो क्वेश्चन नंबर अ मिनरल हैज ब्लेडेड फॉर्म एंड डिफरेंट डायरेक्शन हार्डनेस ठीक है तो आई थिंक ट्वेंटी एट रह गया है उसको पहले सॉल्व कर देते हैं द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ स्टोरलाइट इज तो यही है जो भी पहले आपको दिया है बिल्कुल क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर जो वीडियो बनाया है पहले आपको उसी की हेल्प लेनी पड़ेगी

मोनोक्लिनिक क्लिनिक और टेट्राकोनल क्रिस्टल सिस्टम के अंदर जितने भी मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं इन सबकी लिस्ट बना दीजिए जितने पॉसिबल हो बी फर्स्ट ईयर से लेकर था आप तक जितने भी देखे सबकी लिस्ट बनाओ वो सब जितने भी मिनरल के नाम होंगे वो लर्न कीजिए या कुछ भी कीजिए क्योंकि दस तारीख को दस जून को एग्जाम है अभी ठीक है सागर यूनिवर्सिटी का अगर किसी तरह से अगर कुछ कोरोना का वजह से कुछ अगर डिस्टर्ब होता है तो डेट में भी एक्सटेंड हो सकती है उन्होंने बताया है तो इस तरह से आपको क्रिस्टल सिस्टम के ऊपर भी पूरा का पूरा ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है है वो अ मिनरल विच हैज ब्लेडेड फॉर्म एंड डिफरेंट डायरेक्शनल हार्डनेस इज तो ये है इसका जो आंसर है डिफरेंट डायरेक्शनल ये है काइनाइट ठीक है जब आप डिफरेंट डायरेक्शन की बात करते हो तो डिफरेंट डायरेक्शन की बात आती है तो एक ही मिनरल आता है उसके अंदर वो आता है काइनाइट अब पहले तो बात करेंगे ब्लेडेड कहा ब्लेडेड है आपको बहुत सारे बिल्कुल इसमें जैसे कि यहाँ पे ब्लेडेड है बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको ऑप्शन के अंदर एग्जाम्पल भी है हाँ काइनाइट वो मिनरल है जो ब्लेडेड हैबिट दिखाता है इलांगेटेड क्रिस्टल ठीक है दैट फ्लैटन ये वर्ड है इन वन डायरेक्शन वन डायरेक्शन मान लीजिए आपके पास नाइफ है चाकू है तो आपने अगर कभी चाकू देखा होगा तो कुछ ई इस तरह से रहता है इसकी ये साइड क्या होती है थोड़ा धारदार और पतली होती है लेकिन ये साइड क्या होती है थोड़ी सी जाड़ी होती है तो थिकनेस क्या होती है यहां पे थिकनेस कम होती है और यहां पर थिकनेस क्या होती है ज्यादा होती है तो हार्डनेस इसी तरह से एक ही मिनरल के जो ब्लेडेड हैबिट दिखाता है ना इस वजह से क्या होता है हार्डनेस भी पैरी होती है और ये वो मिनरल है जो दो हार्डनेस दिखाता है कैसे देखिए मोस्लऑफ हार्डनेस पे जब पड़ताल की गई तो काइनाइट जो एक ब्लेडेड हैबिट दिखाता है वो फोर पॉइंट फाइव से लेकर तक फाइव जो हार्डनेस है वो दिखाता है अलॉन्ग टू उसकी लेंथ लेकिन जो अगर आप अलॉन्ग टू उसकी लेंथ मान लीजिए मेरे पास कोई ब्लेडेड है अलॉन्ग लेंथ अगर आपने ट्राई किया या फिर पहले कैलकुलेट कर लिया है बिल्कुल तो अलॉन्ग है मतलब लॉन्ग एक्सिस 4.5 से लेकर फाइव ये उसकी हार्डनेस है लेकिन 6 टू सिक्स से लेकर सेवेंथ तो जो है, उसकी अलॉन्ग दिथ उसकी हार्डनेस है मतलब दो अलग अलग तरीके की हार्डनेस जो प्रेजेंट कर रहा है वो ये है मिनरल इसका नाम है काइनाइट और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम्पल ऑफ लिथियम माइका तो इसके लिए आपको माइका ग्रुप भी लर्न रहना चाहिए तो इसका आंसर है लिपिडो बहुत बार सेम क्वेश्चन आ चुका है ठीक है इसका आंसर भी है वो है लिपिडो बिल्कुल देख लेते हैं अगर आपको नहीं पता तो फिर मस्कोवाइट कौन है बायोटाइट कौन है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बिल्कुल देख लीजिए पूछा है लिथियम बियरिंग पे लेकिन ऑप्शन पे मस्कोवाइट भी था मस्कोवाइट किस चीज से बना इसको कहते हैं ट्रू माइका पोटेशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट और कुछ चीजें नहीं है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे आपको लेपिडोलाइट देखने को मिलेगा लेकिन लेपिडोलाइट एक अकेला मिनरल है क्या माइका का जो लिथियम बियरिंग है नहीं है लेकिन ऑप्शन के अंदर तो लिथियम ओ, मतलब लेपिडोलाइट के बारे में बताया गया तो हाँ ऑप्शन के अंदर जो ऑप्शन है क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो एक्चुअली लेपिडोलाइट है विच इज करेक्ट लेकिन लेपिडोलाइट के अलावा भी बहुत सारे माइका है जिसके अंदर लिथियम है कौन कौन से एफिसाइट है मसिटोमिलाइट है देन नोरिसाइट है ऑलिथिलनाइट है देन टाइनोलाइट है उसके बाद ट्रिथिलनोलाइट है आखिरी में है जीनवल तो ये जो है और उसमें भी ब्लू कलर के जो हाईलाइट किए हैं वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक, है? ठीक है अब इसके बाद और बिल्कुल जो रहते हैं लाइक जैसे बायोटाइट वगैरह भी रहता है जैसे कि ये हो गया बायोटाइट बायोटाइट के अंदर है क्या लिथियम नहीं पोटेशियम मैग्नीशियम और आयरन है बिल्कुल लेकिन पूछा किसके बारे में गया है पूछा सिर्फ बारे में गया है कि ऐसा माइका बताइए जिसके अंदर लिथियम प्रेजेंट हो क्वेश्चन थर्टी बोलता है कि लिथियम सिर्फ माइका के बारे में ही बताइए तो वो है सिर्फ लिपिडोलाइड यहाँ पर भी ठीक है तो ये सेकेंड पार्ट है हमारा यहाँ पे अभी रुक जाते हैं इसमें थोड़ा सा एक पंद्रह मिनट के गैप में एक नया सेशन आपको मिल जाएगा ऑनलाइन